हमारी नई स्टार्टअप की नीति आ रही है और इस नई स्टार्टअप नीति के अंदर हम सब अपने अधिक से अधिक युवाओं को यहां पर अपना स्टार्टअप लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खासतौर पर अभी जो सीएमडी सिडबी ने जिस बात की ओर आकर्षित किया है कि एमएसएमई के लिए भारत सरकार ने जिस एक नए पैकेज की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में हमारे एमएसएमई विभाग ने इस कार्रवाई को पहले ही आगे बढ़ाया है और एक बड़ा लोन मेला, ऑनलाइन लोन मेला, जिसमें एक ही दिन में लगभग 57,000 से अधिक ऐसे उद्यमियों को हम लोगों ने ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई को यहां पे संपन्न किया। मैं इसके लिए विभाग के प्रमुख सचिव को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने समय से इस कार्रवाई को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। ऐसे ही हमारे टेक्निकल एजुकेशन ने भी और वोकेशनल एजुकेशन ने भी इस कार्रवाई को अपने यहां बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में युवा सतरंग के नाम पर एक नई कार्रवाई को उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। अगर एक कोरोना संकट नहीं आता तो मैं समझता हूं कि अब तक ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा होता। मुझे विश्वास है कि आज जिस एक एमओयू को 15 करोड़ की इस एक राशि के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से सिडबी को प्रदान किया जा रहा है, सिडबी के माध्यम से डॉटर फंड के रूप में यहां के स्टार्टअप को समय से अनुदान उपलब्ध कराने, नए स्टार्टअप स्थापित करने और अधिक से अधिक लोगों को इस फील्ड में हम लोग नए अवसर प्रदान करने में सफल होंगे। मेरा यह मानना है कि स्टार्टअप की दृष्टि से अगर हम 10,000 स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय सीमा के अंदर स्थापित करें, जिसकी भी व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हैं, और अलग अलग केवल ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फील्ड नहीं बचा है, बल्कि एग्रीकल्चर का है, एजुकेशन का है, स्वास्थ्य का है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग इस पर बहुत सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पर अलग अलग विभागों ने अपने अपने कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। उन संभावनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और खासतौर पर यह समय जब एक बड़ी मात्रा में माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश की ओर रुक किया है, इस समय उनको उनके स्किल के अनुरूप हम लोग यहां पर अवसर अगर प्रदान करते हैं तो ये हमेशा के लिए हम लोग माइग्रेंट लेबर की समस्या का समाधान करके उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को दे सकते हैं।